हेलो एंड वेलकम बैक टू फिट फूडी मेघा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है। आज हम लोग बनाएंगे घर पे बनने वाला पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको बना के एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए देखते हैं खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी डाल देंगे और उसको उबलने के लिए रख देंगे। पानी में हल्का उबाल आ चुका है तो मैं इसमें आधा कप इमली ले रही हूँ। इमली के बीज मैंने निकाल दिए हैं और इसको पूरी तरह से साफ कर लिया है, तो इमली को मैं अब इसमें डालूंगी। 1 लीटर पानी में हम लोग आधा कप इमली डालेंगे। ये ध्यान रखना है कि जितनी इमली होगी उससे डबल हम लोग गुड़ डालेंगे। तो जैसे मैंने आधा कप इमली डाली है तो मैं यहाँ पे 1 कप गुड़ डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर टाइम है तो आप पहले इमली को भिगो के रख सकते हैं तो ये और जल्दी बन जाती है। अभी हम लोग अगर इंस्टेंटली बनाना है, जल्दी से बनाना है, तो मैंने इसमें इमली डायरेक्टली डाल दी है। इसको हम लोग बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छा खासा उबाल आ गया है, अभी इमली भी सॉफ्ट हो गई है। आधे से थोड़ा ज्यादा रहे पानी तब तक हम इसको उबालेंगे। इसमें गुड़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मीठा या खट्टा आपको जो भी बढ़ाना है आप उस हिसाब से कंसिस्टेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ इमली से डबल लिया है तो परफेक्ट बनता है। अगर आपको गुड़ ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपको इमली ज़्यादा चाहिए, खट्टा ज़्यादा चाहिए, तो आप इमली ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी इसको उबलते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और हमने जितना लिया था उससे आधा हो चुका है, तो अब हम इसको गैस बंद करके छान लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक भगोनी ले ली है, इसके ऊपर मैं ये छलनी रखने वाली हूँ और इसमें हम लोग जो इमली और गुड़ का पानी था उसको छान लेंगे। हमने इसे पूरा निकाल लिया है, अब मैं इसको अच्छे से दबा दबा के पूरा पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए इतना पल्प बचा है। आप इसको कोई भी पीतल का बर्तन, तांबे का बर्तन धोने में यूज कर सकते हैं, तो आप इसको फेंके मत, आप इसको काम में लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए जो चटनी है वो हमारी रेडी है। ये कितना स्मूथ पानी बन चुका है, ये देखिए। अगर आप इसको महीने भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इसको अच्छे से उबालना जरूरी है। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच सौंठ पाउडर। ये सूखी हुई अदरक का पाउडर है, आराम से मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सौंठ का पाउडर बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 1 चम्मच ये डाल रही हूँ। ये डालना वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर डालिए। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लीजिए हमारा पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी तैयार है। आप इसको आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो एक एयर टाइट बॉटल में आप भरकर इसको रेफ्रिजरेटर में रखिए, ये आराम से चलेगा। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। एंजॉय योर पानी पूरी। पानी पूरी का तीखा पानी का रेसिपी जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, प्लीज़ उसको देखना न भूलें। और घर पे बनाइए मीठा और तीखा पानी, पानी पूरी के लिए बहुत टेस्टी लगेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम एंजॉय, बाय।